हमारे साथ है सबका वजीर सेहत शबीर अहमद खान साहब, इनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आज ये प्रोटेस्ट करें। क्या मांगी आज जो कल यूपी के अंदर यूपी की सरकार ने राहुल गांधी जी को जिस तरीके से उन्होंने लिया, जो कि एक पैदाशी प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के मैं कहूंगा, और फिर वो सिटिंग एक मेंबर पार्लियामेंट है, और जिस तरीके से कल यूपी सरकार ने राहुल जी के साथ जो सलूक किया, मैं कहूंगा कि हमारा जो मुल्क है एक जमहूरी मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और एक सेकुलर जो है वो मुल्क है, लेकिन इस किस्म की मिसाल कहीं मैं कहूंगा कि डिक्टेटरशिप में भी जो है वो नहीं मिलती है, जो राहुल जी के साथ कल यूपी की सरकार, यूपी के जो सीएम है उन्होंने और उस सरकार ने किया, हम उसकी कड़े अल्फाज में जो है वो निंदा करते हैं, और हम ये पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं या बाकी जो लोग हैं वो राहुल जी की बैक पे हैं, और हमारा यही है कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त हालात बने और खासकर हमारी रियासत में मैं कहूंगा कि हालात बने हैं, इस वक्त अगर पूरे देश में और पूरी रियासत में कोई अगर लोगों को रोशनी की किरण जो है वो नजर आ रही है तो राहुल गांधी या कांग्रेस है, और मैं कहूंगा कि पूरी कांग्रेस जो है वो इस वक्त यूनाइटेड है, और जो कल हुआ उसकी हम कड़े अल्फाज में जो है मजम्मत करते हैं। सर, जिस तरह यूपी वाले मामले में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और कल राहुल को जिस तरह रोका गया है, इस तरह जम्मू कश्मीर की कांग्रेस जो इकाई है कहां कहां जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, पूरे जितने भी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं और खासकर हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह जो है वो कांग्रेस के जो साथी हैं ब्लॉक लेवल पर जो है वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम सब जो है वो राहुल जी की बैग पे हैं, राहुल जी के पीछे खड़े हैं, राहुल जी हमारे लीडर हैं, राहुल जी इस देश के लीडर हैं, और मुझे लगता है कि 2024 में वो दिन दूर नहीं जब के कांग्रेस की सरकार इस देश में आएगी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को जो है वो उनका जो रोल है, और खासकर मैं कहूँगा कि यूपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है जिस तरीके से उसने वहाँ पे जो है वो एक वहाँ की सरकार काम कर रही है, उस वजह से मैं कहूँगा कि पूरे देश के जो लोग हैं वो परेशान हैं, और मुझे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। यूथ में ले लेते हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर और साबका वजीर।